नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक्टर इंस्पेक्टर संजय दत्त। तो दोस्तों, एक और सच्ची घटना लेके आया हूँ। आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि दिल्ली में 25 करोड़ की सुनार की दुकान से चोरी। बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जब स्टोरी बनी कैसे पकड़ा गया तब बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई। वो तो कहानी एक बंदे की है जो कि कहीं बाहर स्टेट का, मैं नाम चेंज कर दूंगा, बिहार का रहने वाला था। उसने वहाँ पे भी कुछ चोरियाँ की थी, लेकिन वो चोरी करने बड़ा एक्सपर्ट था। और भाई वो आ गया दिल्ली, और उसने दिल्ली में आके शोरूम की रेकी करके पूरा प्लान किया। सायरन के वायर काट दिया और एक दिन रात में छत से चढ़ के नीचे उतर गया भैया, और उसने पूरा शोरूम साफ स्ट्रॉन्ग रूम में भी छेद करके, एक्सपर्ट था तो ले गया 25 करोड़ का माल, ले गया बंदा, उड़ गया पुलिस के हाथ से खाली। अब पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली, 1000 CCTV कैमरे देख लिए, पब्लिक सर्च कर लिया, कुछ नहीं मिल रहा उस पुलिस को कुछ भी। 3 दिन से दिल्ली पुलिस खाली थी भाई। लेकिन फिर खबर आती है बिहार से कि एक बंदा पकड़ा गया है और उसके पास से बहुत सारे जेवरात हैं, और ऐसे ऐसे कुछ हिंट भी मिले दिल्ली पुलिस ने दिए हुए ऑल इंडिया में। तो दिल्ली पुलिस वहाँ पे गई और जाकर देखती है ये सारा माल, तो ये जो दिल्ली से चोरी हुआ है। अब बंदा उन्होंने पकड़ रखा था भाई। अब पूरी स्टोरी आपको फिर बताते हैं हुआ कैसे कैसे। अब बंदे ने चोरी तो कर ली, प्लान बड़ा अच्छा था कि अब 25 करोड़ लेके प्लास्टिक सर्जरी करा लूँगा और फिर कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। 25 करोड़ बहुत ज़्यादा होते हैं भाई, पैसे बहुत ज़्यादा। लेकिन बंदे का प्लान एकदम बिल्कुल ठीक था, लेकिन कहते हैं ना कहीं तो लूज पॉइंट होता है। तो पुराने कर्मों का फल उसे मिल गया, कहीं पुरानी चोरी में उसको वहाँ की पुलिस ने उठा लिया। पूछताछ में उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैं अभी दिल्ली से चोरी करके माल लाया हूँ। दिल्ली पुलिस को इंटरोगेट किया, भैया पूरी कहानी हमें सच सच बता दे, हुआ क्या था। बोला सर मैं दिल्ली आया, मैंने वहाँ पे बिहार में काफ़ी चोरी की थी, दिल्ली आके मैंने जब ये चोरी की तो मैं ठीक ठाक अपना पैसे, मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। अब वहाँ गया तो उसके दोस्त को बिहार की पुलिस ने उठा लिया था, और उसने बताया कि मेरा एक दोस्त दिल्ली से बहुत बड़ा हाथ मार के लाया है। तो उसकी फील्डिंग लगाई, अब उसको जब पकड़ा तो उसने सारी कहानी बता दी कि ऐसे 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 मैंने किया है। अब इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है कि बंदे ने चोरी दिल्ली में की, पकड़ा गया किसी और केस में बाहर। अब दिल्ली का केस सोल्व हो गया, सुनार भी भाई खुश है कि 25 करोड़ का टेस्ट माल पकड़ा गया। लेकिन यही है कि भाई चोरी की, पूरी दिल्ली को दहला के रख दिया था बंदे ने, और आखिरी में ना समझी लगा लो कि वापस वहीं क्यों गया, और कहीं भी जा सकता था। लेकिन जब कहते हैं ना कहीं तो चोर गलती करेगा, और चोर गलती नहीं करेगा तो पुलिस उसको पकड़ेगी कैसे। उसने गलती की, पकड़ा, लेकिन भाई दिल्ली पुलिस ने दिन रात एक कर दिया था, इतना भी क्लू नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे उसको पकड़ा, फिर उसका फ़ोन पता किया, फ़ोन की लोकेशन वहाँ पाई, उसका फेस सामने आ गया, तो उसके जो कैमरे थे उस कैमरे में वो आ रहा है। लेकिन तब तक उसको दिल्ली पुलिस जानती नहीं थी। सारी कड़ियाँ मिलाई, अरेस्ट कर लिया, दिल्ली ले आए, पूरा उसको बना के जेल में डाल दिया है। अब केस न्यायालय के सामने जो भी होगा वो देखते हैं। हमारी कहानी में एक और ये शामिल थी, सत्य घटना पर आधारित। अब अगली कहानी में मैं आपको मिलूँगा बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।